हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो कैसे बनाते हैं। और मैं अपने चैनल पे जो वीडियोस अपलोड करता हूँ वो मैं कैसे बनाता हूँ वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मेरे नए वीडियोज़ आए आपको पता चले। व्हाट्सएप स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है एक सॉफ्टवेयर की, या बोल सकते हैं एप्लीकेशन की। आप वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है काइन मास्टर, जो कि बहुत पॉपुलर है और बहुत ईजी टू यूज़ है। अपन यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप करना है काइन मास्टर, काइन मास्टर प्रो। देखो पहले ही आ चुका है प्रो एडिटिंग। ओके, तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर किया है तो अभी मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी इसको ओपन करके बताऊंगा आपको कि इसमें अपन कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। गाइस, कुछ ऐसा इंटरफेस है काइन मास्टर का। आप प्लस पे जाना है यहाँ पे, उसके बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। एम्प्टी प्रोजेक्ट में जाने के बाद मीडिया ब्राउज़र पर जाना है आपको। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी इमेज या वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखी है, मैं ये इमेज सिलेक्ट कर लूँगा। बेसिकली मैं एक न्यू ईयर का वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने ये इमेज डाउनलोड की है। फिर इसको आप क्रॉप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन सेम कर देंगे अपन। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, उसको प्रेस कर देंगे तो ये एंडिंग एंड स्टार्टिंग सेम हो जाएंगी। फिर यहाँ पे ओके कर देना है इसको। उसके बाद आप इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी 30 सेकंड के व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो रहते हैं, तो अपन इसको 30 सेकंड तक एक्सटेंड करेंगे। 30 सेकंड तक मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इसको। यहाँ 30 सेकंड हो गए। अब अपन जाएंगे म्यूज़िक सिलेक्ट करेंगे। अपन कोई भी म्यूज़िक सिलेक्ट कर सकते हैं अपने इसमें जो है। मैं हैप्पी न्यू ईयर वाली जो एक म्यूज़िक है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। ये हो गई। यहाँ पे प्लस पे किए तो ऐड हो जाएंगी यहाँ पे म्यूज़िक, और ये म्यूज़िक ऐड हो गई। और आप चाहो तो इसमें कुछ लिरिक्स या कुछ मैसेज भी टाइप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको लेयर में जाना है, उसके बाद टेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद आप कुछ भी मैसेज या लिरिक्स आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैं न्यू ईयर का बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 365 और ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे फॉन्ट्स है बहुत सारे, आप चेंज कर सकते हैं अपने इससे। यहाँ पे राइट साइड में कलर का ऑप्शन दिख रहा है, आप वहाँ जाके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको जिस कलर में होना फॉन्ट आप उस कलर में कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं राइट साइड में एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, आप कुछ भी एनिमेशन ले सकते हैं अपने हिसाब से। और टाइम ड्यूरेशन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3 सेकेंड ले लिया, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, आप अपने हिसाब से उसका टाइम ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। मैं इसका टाइम ड्यूरेशन 5 सेकेंड कर देता हूँ। इसका टाइम ड्यूरेशन मैंने 5.3 सेकेंड कर दिया। उसके बाद फिर से एक नया टेक्स्ट लिखेंगे अपन, टेक्स्ट में जाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट लिख देंगे डेज, ओके। उसके बाद इसका भी वैसे ही साइज़ अपन फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, ये मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ओके, उसके बाद इसको भी 5 सेकेंड कर देंगे हम। थोड़ा ध्यान रखना एडजस्टमेंट करते समय, 5.3 सेकेंड पे ही आना चाहिए वो, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। ओके, ये हो गया 5.3। फिर से एक नया टेक्स्ट ऐड करेंगे अपन। यहाँ पे लेयर पे जाएंगे, टेक्स्ट फिर से अपन लिखेंगे कंप्लीटेड। ओके, इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे। ओके, तो कलर चेंज कर दिए, फॉन्ट साइज कलर चेंज कर दिया अभी। ओके, तो ये कलर चेंज हो गया।
इसका भी ड्यूरेशन 5.3 रखेंगे, 5.3। सो ये हो गया। सो अभी अपन देखेंगे ओवरऑल इसका कैसा हुआ है अपना। सो आप इस तरह अपना वीडियो बना सकते हैं। सो मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ। सो आप अपने चैनल पे अपना लोगो भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले अपने को लेयर में जाना पड़ेगा। लेयर में क्लिक कीजिए, उसके बाद हैंड राइटिंग में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है राउंड कलर का, उसके ऊपर आप क्लिक करके अपने को स्क्वायर राउंडेड जैसा अपने को लोगो चाहिए आप वैसा लोगो रख सकते हो। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो। उसके बाद साइड में ऑप्शन है कलर का, आप उससे कलर भी चूज़ कर सकते हो। सो कलर चूज़ कर लिए, फिर यहाँ पे ड्रैग करके अपने को जितने साइज़ का अपना लोगो होना आप उतने साइज़ का लोगो बना सकते हो। उसके बाद इसको ड्रैग करो। उसके बाद अपने लोगो में आप अपना नाम भी ऐड कर सकते हो। सो इसमें टेक्स्ट में जाके अपना नाम लिख दो शॉर्टकट में, ओके। फिर इसका ये फॉन्ट कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फिर इसको ड्रैग करके इसके ऊपर, ओके। सो ओवरऑल व्यू देखते अभी अपना कैसा बना। सो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब देखते कैसा बना। सो गाइस, वीडियो बनने के बाद आपको वीडियो को सेव कर देना है गैलरी में। सो सेव वीडियो टू गैलरी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद 4K फुल HD आप दोनों में से किसी भी इसमें सेव कर सकते हो। तो ये मैंने सेव कर दिया। सो गाइस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा ओवरऑल वीडियो कैसा बना है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।